चर्चा का विषय बन चुका है बढ़ती हुई गर्मी, और इस बढ़ती हुई गर्मी में क्या हम मोटे अनाज जैसे कि मिलेट्स को खा सकते हैं कि नहीं। सो इसीलिए हम पता करने आए हैं मिलेट्स के विशेषज्ञ मोना ग्रोवर मैम से, जो कि हेल्दी मिलेट बेकरी और हेल्दी मिलेट रेसिपीज बनाते हैं। मैम, ये कहा जा रहा है कि मोटे अनाज को हम नहीं खा सकते इतनी बढ़ती हुई गर्मी में, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें, क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक भ्रम है कि मतलब मिलेट्स को हम गर्मियों में नहीं खा सकते। खा सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक उसका जो रूल होता है, यानी कि उसको क्या करना चाहिए जिससे वो गर्मी आपको ना फील हो, तो उसके लिए हमें एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, उसको कम से कम अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगोते हो तो वो आपको गर्मी पैदा नहीं करेगा। ऐसे ही जैसे सावा है, कुटकी है, कंगनी है, हरी कंगनी है, जो पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, उसको अगर आप 8 घंटे के लिए भिगोते हो तो वो भी आपको गर्मी नहीं करेंगे। और मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आप उसका क्या बना के खा रहे हो। अगर किसी को लगता है कि उसके बाद भी उसको गर्मी मतलब लगती है, तो फिर उसको आप बनाने का मेथड बदल दो। यानी कि अगर आप उसको फर्मेंटेशन के साथ अगर उसको खाते हो तो वो आपको कभी भी गर्मी पैदा नहीं करेगा। तो आप इस तरह से भी आप उसको खा सकते हो। अच्छा मैम, जैसे मिलेट्स को या मोटे अनाज को हम क्या क्या नई फॉर्म दे सकते हैं? जैसे आपने एक बारी खीर बनाई थी, उसके बाद आप नई नई डिशेस बनाते रहते, तो गर्मियों में इसको हम किस रूप में खाएं, क्या डिशेस खाएं? हाँ, तो अगर जब हमने उसको भिगो ही दिया, तो भिगोने के बाद तो आप कुछ भी बना के खाते हैं तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे मैंने आप पहले भी बताया है कि आप उसको अम्बली फॉर्म में आप उसको खा सकते हो, उसकी ड्रिंक्स बन जाती है। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाली हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि उसको आप कैसे बना सकते हो। अच्छा मैम, आपने बोला कि 2-3 घंटा बस भिगोना है, और उसके भिगोने के बाद आप इसको किसी भी रूप में इसका सेवन कर सकते हो, तो क्या ऐसा भी फर्क पड़ता है कि कई बार जैसे 2 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे, जितना ज्यादा हम इसको भिगो कर रखेंगे उतना ज्यादा ये फायदेमंद होगा? हाँ, मतलब उसमें ऐसा नहीं है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव मिलेट्स हैं उसको आपने 8 घंटे के लिए भिगोना है, और जैसे न्यूट्रल मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगोना है। अगर आप उससे ज्यादा उसको भिगोगे तो नुकसान तो वो नहीं करेगा, पर गर्मियों में उसमें एक चीज रहती है कि जब आप उसको भिगोते हो ना, तो उसमें एक झाग सी आ जाती है, तो वो एक स्मेल करना वो शुरू कर देता है। तो फिर बेटर यही है कि आप उसको सिर्फ 8 घंटे के लिए भिगो तो वो ओके रहते हैं, मतलब ठीक रहेंगे वो। सो जैसा कि आपने जाना कि मोटे अनाज और मिलेट्स को आप गर्मियों में भी खा सकते हैं, सो घबराइए मत और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि चावल और गेहूं से बहुत ज्यादा पौष्टिक और स्वस्थ होते हैं ये अनाज।